डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? डिस्काउंट का क्या मतलब? अपने को जो गुड्स या कुछ परचेस किया तो उसके अपन को कम प्राइस या देना है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन price of goods and actual amount paid by that is called discount. Goods की price कुछ और है और customer pay कुछ और। For example, goods की price 500 है, customer कह रहा मैं 450 दूँ, तो 50 रुपीज का क्या हो गया? Discount, discount, ये क्या हो गया? जो प्राइस ऑफ द गुड्स और एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो अपन क्या कहलाएंगे? डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वन होता है कैश। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गिविंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, इट इज गिवन बाय द सेलर फॉर इंक्रीजिंग द सेल ऑफ गुड्स। आप बताओ, एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर निकालते हैं, सेल होती है, उसमें क्या होता है फाइनली? कि सेल बढ़ जाती है, डिस्काउंट होता है, और सब डिस्काउंट उसके बाद आपको सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, सब उसमें आएगा आपका डिस्काउंट। दूसरा आएगा केस डिस्काउंट। इट इज गिवन बाय द सेलर फॉर द अर्ली रिकवरी ऑफ अपन जानते हैं कि ये प्रैक्टिकेबल कहना पॉसिबल नहीं, हर बिजनेस केस में होता है। इट इज अ ट्रेंड, इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत सारा गुड्स केस में आता है, बहुत सारा गुड्स पेड पे आता है। तो हमने किसी को क्रेडिट गुड्स सेल किया किसी बायर को, और अब हमें उससे पैसा जल्दी चाहिए, तो हमने एक रूल निकाल दिया। क्या रूल निकाल दिया? कि मैं आपको पेड तो मैंने मंथ दिया है, लेकिन आप 15 दिन में पेमेंट दे दोगे तो मैं 5% और डिस्काउंट, आप 5 दिन में पेमेंट दे दोगे 5 डेज में तो मैं आपको 5% और डिस्काउंट और 10% दे दूं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ड्यू अमाउंट की अगर अर्ली रिकवरी करनी, फटाफट रिकवरी करनी है ड्यू अमाउंट की, तो वहां पर कौन सा डिस्काउंट लगेगा? ड्यू अमाउंट की अगर क्या करनी है, अर्ली रिकवरी। ये अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, इसको रिकॉर्ड ओनली सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम प्राइस ऑफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं केस डिस्काउंट, तो ये क्या होता है? ये एडिशनल डिस्काउंट होता है, जिसे प्राइस सेल बढ़ने से कुछ ले रहा ना, तो अपन बोलते हैं इट इज एडिशनल डिस्काउंट। इट इज एडिशनल डिस्काउंट, सो recorded as expense in the books of income। हम इसको कैसे लिखते हैं? ये हमारा खर्चा है, ऐसे हम इसको लिखो। क्लियर? क्लियर हुआ?
अब अगर मैं बात करूं एंट्री एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की तो होगी नहीं, होगी किसकी? एंट्री बनेगी आपकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर टू हमने दिया है, हम रिसीव करेंगे तो भी ये बढ़ेगी, उसको डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा और जो पार्टी देने वाली उसको क्रेडिट करते हैं। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? किसी पार्टी से हम पैसा मांगते थे, वो पार्टी इंस्टॉलमेंट हो गई और अब उससे पैसा ये तो मिल रहा है तो कुछ मिल रहा है बिल्कुल नहीं, वो सब किसमें जाएगा? जो पैसा नहीं मिल रहा है उसमें जाएगा। एनी पर्सन ही इज अनेबल टू पे एनी ड्यूअर, कोई व्यक्ति ऐसा है जो डी अमाउंट को पेमेंट करने की पोजिशन में, उसने क्लियरली मेंशन कर दिया आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट, मैं उस कंडीशन में नहीं पेमेंट कर सकता हूं, या फिर मेरे पास इतना पेमेंट नहीं बचा है इतने ही मैं दे सकता हूं उसके ऊपर, तो जो भी पैसा ड्यू है या तो वो भी बैड डेब्ट्स जगह या पूरा पूरा। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है नॉन रिकवरी ऑफ ड्यू अमाउंट, it may be partial bad debts, मतलब कुछ पैसा मिला है और कुछ पैसा, या फिर क्या हो जाएगा, it may be full bad debts, मतलब उससे कुछ भी क्वेश्चन आगे आएगा, रिबंड रुपये में से 50 पैसा मिल गया, मतलब 50 पैसा मिल गया, 50 पैसा नहीं मिला, या फिर उसको कुछ भी नहीं मिला, सब किस में आएगा आपका बैड डेब्ट्स। ये बिकम इंसॉल्वेंट, वो व्यक्ति जो है क्या बन जाता है इंसॉल्वेंट, अब उसकी पोजीशन नहीं है कि वो पैसा पूरा दे पाए आधा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर यहां पर क्या होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, इट इज अ लॉस ऑफ बिजनेस, क्योंकि एक पर्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, क्या बोलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है उसको उधार क्या होगा, हमने माल दिया होगा तभी तो ड्यू पैसा है, लोन तो दिया नहीं होगा हमने, कोई क्रेडिट उसको क्रेडिट पे सही किया होगा तो उसी से पैसा ड्यू है और वो पैसे नहीं फंक्शन में नहीं है, जो व्यक्ति है उसको हम इंस्टॉलमेंट बोलेंगे और व्यक्ति को बिजनेस में क्या बोलेंगे, डेटर्स। गॉट इट? कोई डाउट? पक्का? अगर मैं यहाँ की एंट्री की बात करूं तो फिर ये तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। मैटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अब क्या होता है आगे होता है बैड डेब्ट्स रिकवर, क्या होता है, जो पैसा डूब गया है हमने मान लिया वो पैसा आने वाला नहीं है, पर एक दिन डेटर बोलता है चलो मेरी पोजीशन अच्छी है कुछ पैसा मैं भी लौट रहा हूं कुछ थोड़े दिन बाद, वो पैसा वापस क्या होता है रिकवर हमारे पास वापस, तो एंट्री बनेगी वहां पर कैश अकाउंट डेबिट ये हम लोग